आपको बताएंगे वो खबर गुड्डू मुस्लिम से ही जुड़ी हुई है, और उसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी शूटर्स हैं उन सब को लेकर एसटीएफ की टीम पहले से ज्यादा चौकन्ना हो चुकी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में आ सके। इसके अलावा वो तमाम शूटर्स भी जो अभी गिरफ्त से बाहर है, यानी अतीक अहमद भले ही नहीं है, अशरफ नहीं है, लेकिन उसका जो पूरा नेटवर्क है, जो उसके नेटवर्क के सदस्य हैं, वो कहाँ हैं, वो शूटर्स कहाँ हैं, इसको लेकर एसटीएफ बहुत ज्यादा अलर्ट है क्योंकि उसका अंतर्राज्यीय गिरोह रहा है, ये हम आपको बार बार बताते रहे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपना हुलिया बदल चुका है। हुलिया बदलकर लोकेशन बदलने में उसको बहुत सहूलियत मिल रही है। यहाँ तक भी कहा गया है कि हुलिया बदलने के लिए उसने अपनी मूछें तक कटवा दी है, और ये भी बड़ी जानकारी है, इसलिए पुलिस को बहुत ज़्यादा चुनौती सामने आ रही है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहाँ हो सकता है, किन किन राज्यों में हो सकता है, एसटीएफ की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बेखौफ बम बरसाते इस शख्स की यूपी पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। नाम है गुड्डू मुस्लिम। हत्याकांड के 2 महीने बाद भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है, जो कई सवाल खड़े करता है। प्रयागराज के शिवकुटी का रहने वाला गुड्डू मुस्लिम इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद से ही लगातार गुड्डू मुस्लिम अपना वेश बदलकर लोगों को धोखा दे रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए नए पैंतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर दावा किया जा रहा है कि कभी वो आयुष चौधरी, कभी बबलू, कभी संदीप तो कभी सुरेंद्र नाम से शहर दर शहर पनाह ले रहा है और बहरूपिये का वेश लिए पुलिस को चकमा दे रहा है। इस वक्त एसटीएफ की कई टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में दबिश दे रही है। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां जहां पर छुपा हुआ था उस दौरान उसने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया, जिसमें आयुष चौधरी, महेंद्र, सत्येंद्र जैसे नाम प्रमुख हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी में कुछ दिन रहने के बाद मेरठ की तरफ गया, वहां से दिल्ली चला गया, एसटीएफ का शिकंजा कसता देखकर अजमेर भाग गया, फिर दक्षिण भारत की तरफ निकल गया, कुछ समय कर्नाटक में टिकने के बाद ओडिशा और फिर पुरी में रहा। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज ने हुलिया भी बदला, पहचान भी बदली और लोकेशन भी बदली, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि गुड्डू चाहे जितनी कोशिश कर ले जल्द सलाखों के पीछे होगा।